नमस्कार, मैं शशिकांत मिश्रा, ज्योतिषाचार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पे आज नवरात्रि के पंचम दिवस पंचमम स्कंद माता माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का आज पूजन है और माँ स्कंद माता के रूप में किस तरह से उनका पूजन किया जाए, उनके पूजन के लिए विशेष वस्तुएं और माँ स्कंद माता का सबसे प्रिय वस्तु क्या है, आज हम लोग जानेंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी रविवार, इस बार महासंयोग है, रविवार का दिन है, स्कंद माता का रूप में माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप का पूजन करेंगे। माँ भगवती स्कंद माता का रूप में सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुंभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता सभी प्रकार के शुभ फल को प्रदान कराने वाली हैं और भक्तों के कष्ट को हरने वाली हैं। माँ स्कंद माता का आज पांचवा स्वरूप नवरात्रि में आप भक्तजनों के घर आगमन है। स्कंद माता, जैसा कि नाम ही है, स्कंद कहा गया है पुराणों में, कार्तिक भगवान जो हैं, खड़गमुख उनको कहा गया है, शिव जी के जो पुत्र हैं, गणेश जी के भाई हैं कार्तिक जी। कार्तिक जी के छह मुख है और वह कार्तिक जी का जो स्वरूप है, उनका जो वाहन है मयूर है। कार्तिक जी देवसुर संग्राम जब चल रहा था, देवों का असुरों का संग्राम, उस समय कार्तिक जी सेनापति थे। देवासुर संग्राम में कार्तिक जी का जो पद मिला था सेनापति का था, तो वही कार्तिक महाराज का जो माता हैं, माता स्कंद माता हैं। कार्तिक जी स्कंद माता के गोद में बैठे हुए हैं और स्कंद माता का वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता करुणामयी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं और भक्तों के भय के नाशक हैं। स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही दिव्य है और माँ भगवती का यह स्वरूप, माता शब्द जो है, पूरे संसार की वह माता हैं, ब्रह्मांड की माता हैं। माँ स्कंद माता दिव्य बरद स्वरूप में विराजमान हैं सिंह के ऊपर और साथ में कार्तिक जी को ली हुई हैं। इसका संदेश यह है कि पूरे संसार की पालन करता उत्पन्न करता माँ भगवती स्कंद माता हैं। तो आज हम लोग नवरात्रि के पंचम दिवस पे पंचम रूप में दुर्गा के स्कंद माता का पूजन पाठ आराधना करेंगे और किस तरह से माँ भगवती को अधिक से अधिक प्रसन्न करें, इसके लिए हम लोग आज पूजन पाठ जो कर रहे हैं उसके अनुसार प्रथम दिवस से आप लोगों ने नवरात्रि के पूजन के लिए जो साधना पूजन शुरू किया है, तो आज पंचम दिवस को पूर्ववत जिस तरह से आप लोग पहले भी करते आ रहे हैं धूप दीप नैवेद्य से पूजन, तो आज प्रथम दिन पुष्प अक्षत लेकर के, आज रविवार का दिन है, पंचमी तिथि है, सिद्ध योग है, तो आज के दिन माँ स्कंद माता के ध्यान के रूप में लाल पुष्प अक्षत ले लें। लाल अक्षत भी हो तो बहुत ही अच्छा है और माँ स्कंद माता का ध्यान करेंगे। ॐ यास्रे स्वयं सुकृतिना भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि शरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। समस्त विश्व की माता जो स्कंद माता हैं,
सभी को आयुष प्रदान करने वाले, सभी के मनोरथ को सिद्ध करने वाली स्कंद माता के चरणों में प्रणाम है, नमस्कार है। इस प्रकार आप लोग ध्यान करके माँ स्कंद माता के चरणों में पुष्प अर्पित करें, साथ में पहले से जो लोग कलश स्थापन किए हैं, गौरी गणेश सूर्य आदि नवग्रह पंच देवता का स्थापना आप लोगों ने किया है, उनका भी ध्यान पूजन करेंगे, पुष्प अक्षत चढ़ा करके जल से स्नान कराएं कलश पे माँ भगवती के चरणों में, तीन बार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद दूध दही घी मधु और शक्कर ये पांच चीज़ों से मिश्रित पंचामृत का स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं माँ स्कंद माता को, कलश को, सूर्य आदि नवग्रह पंच देवता सहित रक्षा सूत्र सौभाग्य सूत्र वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद पुनः आचमनी कराएं, उसके बाद से रक्त चंदन रोड़ी सिंदूर अबीर हल्दी माँ को अर्पित करें स्कंद माता के रूप में, कलश पे सूर्य आदि नवग्रह को अर्पित करें, उसके बाद लाल अक्षत चढ़ाएं, लाल पुष्प बिलपत्र समीपत्र भगवती को अर्पित करें, उसके बाद धूप दीप दिखाएं, धूप दीप दिखाने के बाद हाथ का स्पर्श शुद्ध कर लें शुद्ध जल से, उसके बाद नैवेद्य आज स्कंद माता का स्वरूप में दुर्गा का जो रूप है स्कंद माता का उनको सबसे प्रिय वस्तु है उसका आप लोग भोग लगाएं, आज पेड़ा चढ़ाएं माँ को और लाल अनार का फल सेव चढ़ाएं, साथ में माँ भगवती को आप लोग खीर का भोग लगाएं तो माँ भगवती अधिक प्रसन्न होती हैं। आज के दिन आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक माँ के चरणों में घी से संबंधित बना हुआ कोई मिष्ठान हो और मधु से पंचामृत तो चढ़ा ही दिए हैं, साथ में और भी जो भी वस्तु प्राप्त हो सके यथासंभव आप लोग माँ को नैवेद्य भोग लगाएं, दक्षिणा चढ़ा करके उसके बाद अक्षत पुष्प लेकर के सपरिवार आप लोग परिवारजनों में माँ भगवती स्कंद माता को नमस्कार करें और माँ दुर्गा के इस पंचम स्वरूप को सभी रूप से जो कल्याण करने वाली माता हैं, कुपुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवती, माँ भगवती बहुत ही दयालु हैं, पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए कुमारगी हो जाए लेकिन माता जो होती है वह कभी भी कुमाता नहीं होती है, माता की कृपा सदैव अपने संतान के लिए पुत्र के लिए करुणामयी होती है और माता की दयालुता से संतान को अपने जीवन में जो भी अपजस है बाधा है उससे दूर होता है। तो आप लोग आज स्कंद माता को चरणों में पुष्प अक्षत लेकर के प्रणाम कर लें और माँ का आज स्कंद माता का जो बीज मंत्र नाम मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप लोग आज के दिन नवरात्रि के पंचम दिवस पे स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें पाठ करें और माँ भगवती का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र का नवारण मंत्र है, इसका 108 कम से कम जप करिए या अधिक से अधिक जितना हो सके इसका जप करना श्रेष्ठकर है लाभप्रद है। माँ स्कंद माता के आज पंचम दिवस रविवार नवरात्रि का पंचम स्कंद माता रूप में माँ भगवती अपने पुत्रों की अपने संतान की रक्षा के लिए आज भक्तों के घर पे आई हुई हैं, तो आज उनकी प्रसन्नता के लिए जैसा कि आप लोग नवरात्रि में साधना में लगे हुए हैं तो आज नवरात्रि के पंचम दिवस में
जो लोग पहले से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, पूरा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए पूरा पाठ करना है। और जो लोग एक एक चरित्र का पाठ कर रहे हैं, पंचम दिवस में आपका मध्यम चरित्र का पाठ जो है महालक्ष्मी के रूप में, आप द्वितीय अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक का पाठ करेंगे। इस तरह से महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप लोग का पाठ पूरा होगा। और जो लोग श्री रामचरितमानस रामायण जी का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस नवरात्रि में नवाह पारायण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी आज जो है पंचम पारायण होगा, उसका पाठ पूरा होगा। और श्री रामचंद्र के सब परिवार पूजन करके श्री रामचंद्र की कृपा आप लोग के जीवन में प्राप्त हो, साधना करें, पूजन करें। इस नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि पंचम दिवस में माँ गायत्री का जो अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत ही अमोघ दिन होता है नवरात्रि का। इसमें माँ भगवती की साधना के लिए गायत्री मंत्र का साधक जो हैं वो लोग भी आज गायत्री मंत्र का पंचम दिवस में रविवार का विशेष संयोग बनने से बहुत ही फलदायी आज का दिन है। आज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सूर्य की आराधना के साथ, गायत्री मंत्र में तो सूर्य का ही आराधना का महत्व है, तो आज रविवार होने से, विशेष तिथि होने से और दिन होने से बहुत ही पूर्णदायी फलदायी आज का संयोग है। तो आए गायत्री मंत्र वाले लोग गायत्री मंत्र का जप ध्यान करें, साथ में जिनके भी, जिन भक्तों के, जिन दर्शकों के जीवन में सूर्य से संबंधित कोई दोष है, आप लोग के जीवन में देखेंगे आज के इस भौतिक दुनिया में, आर्थिक दुनिया में चारों तरफ लोग सूर्य का जो प्रभाव है हमारे मानव जीवन पर या समस्त सृष्टि पर, सूर्य जीवन दाता हैं और प्रकाशक ग्रह हैं, जीवन में प्रकाश को भरने वाले और अंधकार को दूर करने वाले सूर्य ग्रह हैं। तो जिनके भी जीवन में त्वचा रोग है, रक्त रोग है, नेत्र रोग है, हृदय से संबंधित जिनको बीमारियां हैं और जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए आज के दिन विशेषकर रविवार पंचमी तिथि और स्कंद माता का स्वरूप में पूजन होने से बहुत ही विशेष फलदायी है। आज आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आप एक छोटे से मंत्र के प्रयोग से स्वस्थ निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आज भगवती के पूजन में एक मंत्र है, ओम रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रेयतां प्रयान्ति। माँ दुर्गा का यह बहुत ही सिद्धिप्रद मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप लोग जप करें आज के दिन, यह मंत्र दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय में है और यह मंत्र विशेष करके रोग नाश के लिए है। जिनके भी जीवन में असाध्य बीमारियां हों, रोग हों और नाना प्रकार के व्याधियों से कष्ट पा रहे हों, ऐसे लोग आज के दिन इस मंत्र को आप लोग रुद्राक्ष माला से अथवा चंदन की माला पे इसका 900 बार, 9 माला अगर इसका आप लोग जप करें आज के दिन रविवार के संयोग में, पंचमी तिथि में और स्कंद माता की कृपा से आप लोग के जीवन में सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और ख़ास करके आपका जीवन आरोग्यमय और सुखमय होगा। तो आज इस मंत्र को जरूर जपें और साथ में माँ स्कंद माता की प्रसन्नता के लिए जितना हो सके मंत्र जपें। ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ भगवती दुर्गा का बीज मंत्र। इस मंत्र से आप लोगों का सभी मनोरथ पूर्ण होगा, सिद्ध होगा। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा जगत जननी, माँ का एक नाम जगत जननी भी है और यहाँ आज पंचम रूप में
दुर्गा का स्कंद माता का पूजन हम लोग कर रहे हैं। माँ का तो स्वरूप माता का है ही, माँ शब्द ही माता का स्वरूप है। तो आज स्कंद माता जगत जननी भगवती दुर्गा का भजन पूजन आप लोग के जीवन में बहुत ही विशेष शुभ फल देने वाला है। तो आज आप लोग माँ दुर्गा के स्वरूप का स्कंद माता का जितना ध्यान करें पूजन करें फलदायी है। तो आज रविवार के दिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य राहु केतु शनि के साथ ग्रसित हैं या जन्म कुंडली में राहु के साथ ग्रहण योग लग गया है अथवा पितृ दोष जिनके जन्म कुंडली में है, तो आज के दिन सूर्य पंचमी है और रविवार दिन है, तो आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ अगर आज के समय में 12 बजे दिन के पहले और सुबह सूर्योदय से लेकर के 12 बजे के बीच आदित्य हृदय स्त्रोत्र का अगर 24 पाठ कम से कम आप लोग कर लें तो आज के दिन आप लोग के लिए बहुत ही विशेष फलदायी होगा। सूर्य की कुदृष्टि सूर्य की बाधा जो जन्म कुंडली में है जीवन में है, आपका यश की कमी है, पराक्रम प्रतिष्ठा में कमी है, तो सूर्य की आराधना से साथ में स्कंद माता की आराधना से आप लोगों का कष्ट दूर होगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं और ख़ास करके जो लोग प्रशासनिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं और राजकीय लाभ में उन लोगों को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन लोगों का पद उन्नति नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन में रुकावट है, लोग चाहते हैं स्थानांतरण करने के लिए और ट्रांसफ़र के लिए अगर चाहते हैं और नहीं हो रहा है, तो आज के दिन आप लोग माँ भगवती स्कंद माता के रूप में पूजन के साथ साथ सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेंगे तो आप लोग का मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के दिन सूर्य का एक विशेष मंत्र भी है, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लें और ओम दुम दुर्गाय नमः इसको 108 बार जप कर लें तो आप लोगों का मनोरथ सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। आज स्कंद माता के प्रसन्नता के लिए हम लोग माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती सभी की मनोरथ सिद्ध करें और माँ भगवती की कृपा से पूरे संसार में जितने भी उनकी संतान है सभी की कृपा प्राप्त हो और पुत्र की रक्षा करें माँ भगवती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माँ भगवती का यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है आज के इस समय में भौतिकवादी दुनिया में सभी बाधाओं से मुक्त होकर के धन धान से युक्त होकर के और पुत्र पौत्र आदि से सुख को प्राप्त करते हुए माँ भगवती की सदैव कृपा बनी रहे इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस मंत्र को आप लोग आज के दिन माँ स्कंद माता की प्रसन्नता के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए और अपने जीवन में सभी दुखों के निवारण के लिए और सुखों की प्राप्ति के लिए सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप कर लें तो बहुत ही शुभ होगा। और साथ में जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ में समय नहीं दे पा रहे हैं वो लोग कम से कम आज के दिन सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ अवश्य करें और साथ में माँ भगवती का दुर्गा चालीसा कम से कम जिनको समय नहीं मिल पा रहा हो वो लोग प्रतिदिन आज के दिन लाल वस्त्र धारण करके और लाल आसन बिछा करके बैठ करके माँ दुर्गा चालीसा का अगर पाठ कर लेते हैं तो सभी मनोरथ पूर्ण कराएंगी माँ। तो आज माँ भगवती दुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता आप लोग के गृह में आप लोग के जीवन में सब रूप से कल्याण करने वाले हों, आप लोग का मनोरथ सिद्ध करने वाले हों, इन्हीं कामनाओं के साथ जय माँ दुर्गा जय माँ भगवती नमस्कार।